हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये खूबसूरत बोगनवेला का प्लांट है और बहुत अच्छा ब्राइट येलो कलर का है और ये है करीब 3 साल पुराना। मैंने प्रून करके इसको छोटा रखा हुआ है क्योंकि ये गमला बहुत छोटा है। अब मैं इसको चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बॉन्जाई लुक दूँ ताकि छोटे गमले में, सेरेमिक के खूबसूरत से गमले में रहे, और शैलो कंटेनर वाला है और इसकी अगर टैप रूट सिस्टम थोड़ी बड़ी होगी तो उसको प्रून करके आज हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे। हालांकि अभी मिड मई हो चुका है और गर्मी तेज़ हो रही है, बहुत 42 टेम्परेचर है, मगर बोगनवेला सर्वाइव कर जाता है। ये सन लविंग प्लांट है तो इसको मैं अभी रिपॉट करूँगी और इसको भी मैं शेड में रखूँगी। इसके लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल ली है मैंने, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट थोड़ा सा सैंड लिया है और काउडंग मैन्योर लिया है, नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। और इसमें मल्च करने के लिए मैंने इंच प्लांट, बोलिवियन ज्यू कहते हैं इसको, ये लगाया था। अब इसको सेपरेट कर दूंगी और इसको भी यहीं पर इसी के साथ लगाऊंगी ताकि इसको थोड़ा सा राहत मिले, इसकी रूट्स ज़्यादा गर्म ना हो। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं और इसके अंदर रीपॉट करते हैं और देखते हैं फिर ये वाला इंच प्लांट इसमें लगाएं कि अलग ही गमले में लगाएं, इसी गमले में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग ने गमले से निकाल लिया है और धीरे धीरे करके ये इंच प्लांट को हटाएंगे और नीचे से मिट्टी और रूट कुछ प्रून करेंगे, निकालेंगे, अलग करेंगे। अलग हो गया है, आइए इसको अब हम लोग बिना डिस्टर्ब किए सेट करते हैं सेरेमिक पॉट में बॉन्जाय के लिए। वैसे तो इसकी टैप रूट कोई बहुत डीप नहीं गई हुई है, मगर कुछ रूट्स को मैं इसको प्रून कर देती हूँ जो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। ये देखिए, ज्यादा बड़ी वाली रूट है नहीं इसमें। ये अब 2.5-3 साल पुराना बोगनवेला का पौधा यहाँ रिपॉट हो चुका है और कुछ ही दिनों में इनमें ग्रोथ भी दिखने लगेगी क्योंकि इसको और अच्छी सॉइल मिल गई है और सर्कुलर जो रूट्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और जब फूल खिलेंगे नए नए येलो कलर के, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जो पुराना गमला था उसको हम लोग ने दोबारा इंच प्लांट लगा के बीच में दो प्लांट्स लगा दिए हैं, सिंगोनियम और साथ में ये एस्पेरेगस का, और ये भी बहुत सुंदर कंटेनर बन गया है। अब चलिए दोनों में पानी डाल देती हूँ, पानी में थोड़ा एप्सम सॉल्ट मिला के। हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट डालेंगे, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब रिपॉट करते हैं प्लांट को। शॉप में जब प्लांट आता है रिपॉट करते समय उसमें काफी हेल्प करता है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और प्लांट को रिपॉट किया है तो ये हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे ये, और नेक्स्ट वॉटरिंग तभी करेंगे जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। इसमें भी डाल देते हैं ये पानी। ये अब पॉटिंग हो चुकी है इसकी और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा शेड में रखूंगी और जब फुल ब्लूम पे होगा तब इमेजिन करिए कितना खूबसूरत लगने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।